हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। रेसिपी बना रहे हो ना, मैं बताती हूँ। तो आज बहुत सिंपल रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। ये देखो, इससे रवा होता है ना, तो ये रवा है, मैंने थोड़ा रवा निकाला। अभी उसमें मैं दही डालती हूँ। दिखाई ना नीचे में ये देखो, मैंने दही डाला रवा में और थोड़ा पानी। ये देखो, ऐसा मैं 20 मिनट तक भिगो के रखती हूँ, फिर एक मस्त रेसिपी आपको दिखाती हूँ। ये देखो है ना, पूरा रवा भीगना चाहिए। वैसे अभी मैं 20 मिनट के बाद आपको रेसिपी और दिखाती हूँ, इसके आगे हमें क्या करना है वो। हेलो फ्रेंड्स, देखो अभी 20 मिनट्स हो गई, मैंने रवा भिगो के रखा था। अभी थोड़ा सूखा जैसा लगता है तो मुझे उसमें पानी डालना है, तो मैं उसमें थोड़ा गर्म पानी डालूंगी और थोड़ा इनो डालूंगी। मैं क्या करूंगी, थोड़ा इनो पहले इसमें रवा में उसके माप का नमक डाल देती हूँ। आलू मिर्चा का पेस्ट डाल देती हूँ। देखो कितना कड़क हो गया ना रवा, पानी बहुत पीता है। तो अभी मैं उसमें थोड़ा इनो डालने के बाद उसके ऊपर गर्म पानी डालती हूँ। ये देखो, मैं रवा थोड़ा ही लिया है ना, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाला। ये देखो, गर्म पानी किया है ना, उसके ऊपर ही डाला मैंने। देखो थोड़ा ही डाला, और मैंने यहाँ पे गरम पानी भी रख दिया है। गरम पानी में मैंने नीचे नींबू डाला, कांठो तर बोलते हैं ना उसको, वो डाला है। ये देखो अभी फ्लफी जैसा हो गया ना, तो अभी मैं क्या करूँगी, ऐसा एक छलनी रखने के बाद वाटी में थोड़ा तेल लगा के उसमें मैं थोड़ा थोड़ा खीरा डालती हूँ। ये देखो वाटी में थोड़ा थोड़ा तेल लगाया मैंने। अभी उसमें मैं एक न्यू वेरिएशन करती हूँ, मैं थोड़ा टूटी फूटी डालती हूँ। अभी रवा का जो खीरा है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। अभी मैं इसमें ही चम्मच रख देती हूँ। देखो चम्मच से ही ऐसा उसमें उसके ऊपर मैं और थोड़ा खीरा डालती हूँ। देखा, हम जब भी इडली हाथ में उठाएंगे ना तो चम्मच से ही उठाएंगे, चम्मच से उठा के ही खाएंगे, हमारा हाथ भी थोड़ा इडली वाला भी नहीं होगा। ये एक न्यू ट्रिक है, हो सकता है आगे जाके ये कोई होटल में भी बन सकता है फिर। और ये रवा का मैंने इसलिए बनाया, कभी भी तुरंत बन जाता है। हम लोग को उड़द का चावल का करते हैं तो थोड़ा भिगो के रखना पड़ता है, पीसना पड़ता है, तो ये रवा का क्या है कि फौरन बन जाता है। अभी इसको मैं ढक के 20 मिनट रखती हूँ, फिर 20 मिनट बाद आपको बताती हूँ। ऊपर में और थोड़ा टूटे फूटे डाल देती हूँ तो थोड़ा सो अच्छा आ जाए, लॉलीपॉप।
के ऊपर वजन रख लिया। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद मैं वापस देखती हूँ। फ्रेंड्स, अब 20 मिनट हो गई है, अब हम देखते हैं कैसे हुई हमारा, कैसे हुआ लॉलीपॉप। थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद मैं दिखाती हूँ। तो अभी ये ठंडा हो गया है लॉलीपॉप, अभी हम निकाल के देखते हैं। और ऐसा नीचे कोई स्टैंड रखने का, कभी पानी गर्म करने रखा है तो उसमें कोई भी स्टैंड रखने का। अरे वाव, बच्चे का हाथ में दे दिया तो ऐसे ही खाएंगे। देखो चटनी सांभर के साथ, चम्मच के साथ, अभी हाथ भी बच्चों का खराब नहीं होगा। देखा मैंने कैसा लॉलीपॉप का ट्रिक लगाया, देखो है ना लॉलीपॉप कितना मस्त निकलता है। देखो देखो, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, देख के खाने को मन करेगा बच्चे को। देखो है ना, इसमें क्या करने का, कुछ भी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं तो वो बच्चों के पेट में वैसे वेजिटेबल्स भी जाएगा। देखा कितना मस्त ट्रिक है, आप लोग भी घर पे ट्राई करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एटलीस्ट लाइक तो करो, तो मुझे भी पता चले कि हाँ आपको पसंद आती है आइटम मैं बनाती हूँ वो, तो मुझे और मोटिवेशन मिले। देखो कितना मस्त लॉलीपॉप बनाया है, देखा चटनी और सांभर के साथ, नारियल की चटनी और सांभर बनाया है साथ में। अभी आप लोग ट्राई करो घर पे, ओके, और लाइक तो ज़रूर करो, तो मुझे समझ में आए कि हाँ मैं अच्छा बनाया है, और भी मैं और कुछ नया नया बना के लेके आऊँ आपके लिए। थैंक यू।